गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया और फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. व्हाट डज द वर्ड फिजिकल फीचर मीन्स? फिजिकल फीचर्स मीन्स रिलीफ फीचर ऑफ ए कंट्री और डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स फाउंड इन ए कंट्री. किसी देश में जो विभिन्न प्रकार का लैंड फॉर्म पाया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है या उसके बारे में ये बताता है. इंडिया इज सच कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव एवरी टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स फाउंड. भारत एक ऐसा देश है. इंडिया इज सच कंट्री इन द वर्ल्ड विच ऑक्यूपाइज एवरी टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स. भारत एक ऐसा देश है जिसमें प्रत्येक प्रकार का लैंडफॉर्म्स पाया जाता है. मीन्स वी हैव फ्लैट लैंड, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स एंड आईलैंड्स. एवरी टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स विच आर जनरली फाउंड इन द वर्ल्ड आर अवेलेबल इन आवर कंट्री. हमारे देश में ये प्रत्येक प्रकार का रिलीफ फीचर पाया जाता है. लेटर ऑन वी विल डिस्कस वाई सच वेरिएशन आर फाउंड. इस लैंड फीचर्स में इतना अंतर है, ये क्यों है, नहीं है, इसको आगे बताने का हम प्रयास करेंगे. आंसर इज वेरी सिंपल दैट ऑल द रिलीफ फीचर्स ऑफ आवर कंट्री वुड नॉट अपीयर इन द सेम प्रोसेस एंड इन द सेम जियोलॉजिकल पीरियड. सबका बनने का प्रक्रिया और समय एक नहीं है, उसमें काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसलिए भारत के लैंड फॉर्म्स में काफ़ी अंतर है. लाइक आवर लैंड फॉर्म्स देयर आर ऑल्सो फाउंड मोर वेरिएशन इन द नेचर ऑफ आवर रॉक्स. सम ऑफ देम आर वेरी हार्ड एंड सम ऑफ देम आर वेरी सॉफ्ट. फॉर एग्जाम्पल मार्बल इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड रॉक एंड सोप स्टोन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट रॉक. व्हाइट मार्बल हैज बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल एंड सोप स्टोन इज यूज फॉर मेकिंग ऑफ टेलकम पाउडर. हमारे यहाँ टेलकम पाउडर को बनाने के लिए सोप स्टोन का यूज किया जाता है. लाइक लैंड फॉर्म्स लाइक आवर रॉक्स देयर आर ऑल्सो मोर वेरिएशन फाउंड इन द नेचर ऑफ आवर सॉइल्स स्पेशली द कलर्स ऑफ आवर सॉइल्स. प्रत्येक सॉइल का कलर एक जैसा नहीं होता है. वॉट इज रीजन बिहाइंड इट? द फैक्ट इज दैट एवरी सॉइल्स आर नॉट फॉर्म बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेम रॉक्स. प्रत्येक सॉइल एक ही प्रकार के रॉक के टूटने से नहीं बनता है. दे आर मोर वेरिएशन फाउंड इन द नेचर ऑफ देयर पेरेंट रॉक ऑफ देयर बेड रॉक. जो अलग अलग सॉइल होता है वो अलग अलग प्रकार के रॉक्स के टूटने से बनता है. एंड जनरली द कलर और द नेचर ऑफ द सॉइल डिपेंड ऑन द व्हाट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रॉक्स कलर ऑफ रॉक्स. Now we should discuss about what, besides geological formation, a number of other factors also decide the nature of our relief feature. Relief feature, our relief feature does not only the relief feature of India. Means any countries of the world, their relief structure, their physical structure does not only depend on what geological process of geological formation, but the other factors also influence their relief. What is other factor? तो other factor के रूप में हम कह सकते हैं that is the process of weathering, that is the process of erosion, that is the process of deposition. Weathering के कारण लैंड फॉर्म्स में अंतर आता रहता है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेदरिंग? आप जानते हैं दैट क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड फोर्स,
दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स विच प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग कहने का अर्थ हो गया रॉक को तोड़ने का, जो टूटने का प्रोसेस होता है उसके लिए वेदरिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है. तो बिसाइड जियोलॉजिकल पीरियड व्हाट एक्सटर्नल फोर्स ऑल्सो शेप द नेचर ऑफ आवर रिलीफ फीचर. जो एक्सटर्नल फोर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इन द फॉर्म ऑफ विंड फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ कोल्डनेस एसेट्रा ऑल्सो शेप द रिलीफ फीचर ऑफ ए कंट्री. दीज आर सच फोर्सेज विच स्लोली कीप चेंज इन द नेचर ऑफ द रिलीफ फीचर. ये ऐसा कारक होता है जो काफ़ी तेजी से नहीं लेकिन धीरे धीरे रिलीफ फीचर में परिवर्तन लाता रहता है. तो रिलीफ फीचर ऑफ आवर आइदर इंडिया और द एनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द व्हाट प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन एज वेल एज द जियोलॉजिकल पीरियड. बिसाइड इट दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. ये भी ऐसा फैक्टर है जो किसी जगह के लैंड फीचर को डिसाइड करने में मदद करती है, मेजर रोल करती है. अब क्वेश्चन आ जाता है जो अर्थ साइंटिस्ट इसको कैसे अध्ययन करने का काम करते हैं. कहीं का जो लीफ फीचर बनेगा, लैंड फीचर्स होगा, फिजिकल फीचर्स होगा, उसको डिटरमाइन करने में करने वाला फैक्टर क्या होगा, इस पर क्या है, व्हाट इज ओपिनियन ऑफ अर्थ साइंटिस्ट. अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस. जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं वो कहीं के लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ इसको समझाने के लिए जो आधार लेते हैं वो एविडेंस पर आधारित होता है, उसका बेस होता है, प्रमाण होता है, उसके आधार पर वो अध्ययन उसको बताने का प्रयास करते हैं. एंड वन सच पॉसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है जो कहीं का लैंडफॉर्म्स कैसे कैसा होगा नहीं होगा उसको डिटरमाइन करने में ये मेजर रोल करता है. आप जानते हैं दैट पूरे वर्ल्ड के लिए देयर आर द 7 मेजर एंड सम माइनर अर्थ प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स. दुनिया में 7 मेजर और इसके अलावा और भी माइनर अर्थ प्लेट्स हैं. सेकेंड पॉइंट हम ये बताना चाहेंगे दैट देयर आर मूवमेंट इन दीज प्लेट्स, जिसके लिए आगे आप देखिएगा अर्थ करंट वर्ड भी यूज किया जाता है. यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है जो इसमें मूवमेंट क्यों होता है. यू शुड नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन द इनर पार्ट ऑफ द एवरी रॉक्स. प्रत्येक रॉक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है. वहाँ आप जानते हैं जैसे जैसे इंटीरियर में जाएंगे वहाँ पर टेम्परेचर भी है. तो किसी भी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर उपलब्ध होगा और डिफरेंट प्रकार का एलिमेंट होगा तो उस वहाँ पर जो फिजिकल इन्वायरमेंट में होता है उसके कारण केमिकल रिएक्शन होता रहता है और उसके कारण इनर्जी रिलीज होती रहती है. दिस इज द बेस ऑफ द अर्थ करेंट और द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. उसमें जो मूवमेंट है उसके पीछे सबसे बड़ा आधार ये है. यहाँ पर इसका बहुत क्लियर करके खोल करके नहीं दिया हुआ है लेकिन जब आप इसका व्याख्या करेंगे तो यही आएगा व्हाई देयर आर मूवमेंट्स इन द टेक्टोनिक प्लेट्स. उसमें क्यों होता है टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट, उसका आधार यही है. तो आपको बताने का काम किया गया दैट जनरली अर्थ साइंटिस्ट ट्राई टू डिस्क्राइब अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द रिलीफ फीचर ऑफ द कंट्री इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप द स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स. अब आपको क्या बताया गया, जो प्लेट्स के अंतर्गत मूवमेंट होता है, अर्थ करंट होता है, उसके कारण क्या होता है तो रॉक के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, बिल्डिंग अप स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स. उस प्लेट्स के अंतर्गत अर्थ प्लेट्स. अब कहा अर्थ प्लेट्स में कैसे, तो आप जानते हैं कौन कौन सा
नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बारे में जानते हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट के बारे में जानते हैं, मीन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट्स के बारे में जानते हैं, यूरेशियन प्लेट्स के बारे में जानते हैं, पैसिफिक प्लेट्स के बारे में जानते हैं, एंटार्क्टिका प्लेट्स के बारे में जानते हैं। तो आपको बताया जा रहा है इन प्लेट्स के अंतर्गत जो मूवमेंट आता है वो क्या करता है, तो प्लेट्स के ऊपर मतलब जो प्रत्येक अर्थ प्लेट में ये टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट है और उसके कारण क्या हो जाता है, विद इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स, वो प्लेट्स के ऊपर दबाव बनाता है एंड द कंटिनेंटल रॉक्स, इस दोनों के ऊपर ये किसको बनाने का काम करता है, तो प्रेशर दबाव बनाने का काम करता है, स्ट्रेस डालता है एवं उसके ऊपर एंड लीडिंग द फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। अर्थ करेंट मूवमेंट के कारण किसके ऊपर, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और इसके कारण उसमें तीन प्रकार का बदलाव आ सकता है, टेक्टोनिक प्लेट्स या कंटिनेंटल रॉक्स में तीन प्रकार का वो बदलाव ला सकता है, ये फोल्डिंग भी हो सकता है, फॉल्टिंग भी हो सकता है और तीसरा वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज प्रमोट हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय द टर्म फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स, जब आप देखते हैं कहीं पर कोई रॉक्स मुड़ करके ऊपर की तरफ मुड़ जाता है तो ये फोल्डिंग टर्म का यूज किया जाता है, जब कोई रॉक एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है तो इसके लिए फॉल्टिंग ऑफ द रॉक शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब कहीं पर आप देखते हैं अंदर से मैग्मा बाहर की तरफ आने लगता है और वो कहीं पर जमा होकर के आगे फिर रॉक्स का रूप ले लेवे आइदर माउंटेन और प्लेट्यू का, तो उसके लिए वर्ड आप ज्वालामुखी पर्वत या जब ज्वालामुखी से बना हुआ प्लेट्यू आप उस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉन्ट टू टेल यू ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या आ जाता है, तो जो ऊपर कंटिनेंटल रॉक्स में जो बदलाव आवेगा या जो रिलीफ फीचर बदलाव आवेगा वो किस रूप में हो सकता है, फोल्डिंग ऑफ द रॉक्स के रूप में हो सकता है, फॉल्टिंग ऑफ द रॉक्स के रूप में हो सकता है या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटी वहाँ प्रमोट करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू दैट प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इंटू द थ्री टाइप्स। अब आपको हम बताने जा रहे हैं जो टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट्स होता है उसको तीन रूप में क्लासिफाइड किया गया है, किस किस रूप में क्लासिफाइड किया गया है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री के रूप में, डाइवर्जेंट बाउंड्री के रूप में और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के रूप में। जब दो प्लेट आपस में आकर के मिल जाते हैं तो उसके लिए कौन सा कमिंग एक दूसरे के तरफ मुड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, दैट इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हेन द मूवमेंट ऑफ द टू रॉक्स, आप देखिएगा जब दो रॉक किधर खींच करके चले जाते हैं तो बताया जा रहा है आपको दैट सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब कौन सा टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के पास चले जाते हैं, मीन्स आकर के आपस में जुट जाते हैं, मिल जाते हैं, जो दोनों अटैच्ड हो जाते हैं, तो इस प्रकार के प्लेट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, बाउंड्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं मतलब दोनों आकर के जुट जाते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हेन द अर्थ मूवमेंट सेपरेट द टू टेक्टोनिक प्लेट्स इट इज नोन एज द व्हाट, डाइवर्जेंट बाउंड्री, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री शब्द का यूज किया जाता है। और जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से कोलाइड करे, क्रम्बल करे या एक दूसरे में स्लाइड कर जाता है तो एक नया रूप ले लेगा, इस प्रकार के बाउंड्री के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो तीन शब्द का प्रयोग किया गया, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री, इट रिफ्लेक्ट्स द व्हाट
इट रिफ्लेक्ट्स द कन्वर्जन ऑफ टू रॉक्स मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स द अटैचमेंट ऑफ द टू रॉक्स डाइवर्जेंट बाउंड्री शोज द सेपरेशन ऑफ टू रॉक्स एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री गेट ए न्यू फॉर्म इट मे बी कोलाइड क्रम्बल एंड स्लाइड्स अंडर ईच अदर एक दूसरे में वो स्लाइड कर सकता है तो इस प्रकार से तीन प्रकार का बाउंड्री फॉर्म होता है कन्वर्जेंट बाउंड्री डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री